नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, जैसे जैसे हम करियर की बातें करते जा रहे हैं, एक अहम मुद्दा वो हमसे कभी नहीं छूट सकता और वो है बच्चों का स्वास्थ्य। एक तरफ जहां बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रही हैं, सामने कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगी, उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है वो ये है कि हमारे बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी जो चिंता बनी हुई है उससे हम कैसे निपटें। बच्चों में इस समय कई प्रकार की तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। समय से खा पी नहीं पाते हैं, एक टेंशन बनी हुई है, रात भर जागना, सुबह उठ के सीधे सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाते हैं और इस समय अगर आप कुछ मना करिए तो सच बात यह है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सुनते भी नहीं है, इस बात से वो राजी नहीं होते हैं कि नहीं भाई हमको फ्री छोड़ दीजिए, मुझे जिस प्रकार से पढ़ना है मैं खुद से पढ़ लूंगा। और कहीं ना कहीं माँ बाप को उस दबाव में झुकना पड़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हो ये रहा है कि इसका जो खामियाजा जो है वो बच्चा भुगतता है। अभी हाल ही में कुछ सर्वे हुआ और उसमें पता ये चला कि 11th से लेके ये ग्रेजुएशन तक का जो सफर है, इस दौरान में इस समय बच्चों में हेल्थ हैजर्ड्स बहुत दिखने को मिल रही हैं। कभी हम लोगों ने सोचा था कि 11th और 12th के बच्चों में कोरोनरी हार्ट डिजीज ये सब पकड़ में आएगा? सोचा था कभी हमने? नहीं, इस समय हो रहा है। आपको शायद सुनकर अब ताज्जुब नहीं होगा क्योंकि आजकल लोग जो है व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर लगातार ऐसे समाचार देखते चले आते हैं और ये समाचार आपको मिलता होगा। 11th क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है, 12th क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है, रक्तचाप की शिकायत मिल रही है, डायबिटीज, मधुमेह, इसकी शिकायत मिल रही है। ये क्या होता जा रहा है समाज को? तो दोस्तों, आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रण किया है डॉक्टर सुदीप सरकार को। डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, नहीं मैं डायबिटोलॉजिस्ट नहीं कहूंगा, मुझे पता है इसका डिपार्टमेंट अलग से कोई बना नहीं है। ही इज अ सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और हाँ, उसके साथ साथ मेडिसिन के पूरे विभाग में इन्होंने कई ऐसे बदलाव देखे जहां पे ये कहते हैं कि इनके जो पेशेंट्स हैं वो अब धीमे धीमे कम उम्र के बच्चे ज्यादा बनते चले जा रहे हैं। तो कहानी इधर क्यों भाग रही है, आइए चलिए डॉक्टर सुदीप सरकार से सुनते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में करियर काउच में शुभांकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये अभी समय एग्जामिनेशंस चल रही हैं, बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चे जो है इस समय जिस तरीके से एग्जामिनेशन को हैंडल कर रहे हैं बड़ा ताज्जुब होता है। रात रात पढ़ना, चलिए हम लोगों ने भी कभी ये किया था तो मैं शिकायत नहीं कर सकता इस बात की, लेकिन आजकल पूरी पूरी रात बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद एक दबाव है। कोविड के बाद जो आज के दिन में जो इंटरमीडिएट दे रहे हैं उनके लिए भी ये पहला बोर्ड है, नर्वसनेस बिल्कुल हाइट पर है, चरम पर है। इस समय खान पान पर उनका ध्यान नहीं है, पढ़ाई पर जोर है, ऊपर से एक मानसिक तनाव, इन सब चीजों को लेके डॉक्टर साहब जो हेल्थ कंसर्न जो बन रही हैं वो आपके सामने किस प्रकार से आ रही हैं? आप तो भी मरीजों को देख रहे हैं, तो आपने जैसे कहा कि अभी यंग मरीज ज्यादा रहे, तो ये आपको क्या दिख रहा है? बच्चों में एग्जाम टाइम में स्ट्रेस तो बढ़ जाता है, ये सबको मालूम है, ये हम लोग एज अ पेरेंट्स भी हम रियलाइज करते थे, एज अ स्टूडेंट भी रियलाइज करते थे। बट ऑफ लेट जब से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर बच्चे का को अब आउटपुट देना है, परफॉर्म करना है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड है, तो इस कंपटीशन के ज़माने में बच्चे इसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं रात रात भर बैठ के पढ़ते हैं, और ये ज़रूर उनकी फिजियोलॉजी को, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करता है और इससे इनकी बहुत सारी रोज़मर्रा की दिनचर्याओं में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि भूख नहीं लगती कई बच्चों को, टाइमली नहीं लगती, अगर लगती है तो टाइमली नहीं लगती है, बिल्कुल। अगर टाइमली लगती भी है तो वो अनटाइमली समय पे खाना खाते हैं कि अभी खाने का, अभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे, तो वो ऑड आवर्स में खाना खाते हैं, इससे इनके बाउल हैबिट्स डिस्टर्ब होते हैं और उसके बाद इनके लिए जो बाउल हैबिट्स हैं
मोशंस का समय है, ये सब डिस्टर्ब होता है। ये अपनी मर्जी से, मैंने देखा है बच्चे कहते हैं हम खाएंगे, अपनी मर्जी से नहाएंगे, अपनी मर्जी से बाथरूम जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, तो ये सब इनकी बॉडी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, जिसका कि नेट रिजल्टेंट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर फ्यू ईयर्स ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रेस लेवल यहीं से शुरू होता है, बैड लाइफ स्टाइल। सही बात, बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब। एक बहुत अहम चीज है कि जहां माँ बाप बच्चों के करियर को लेकर इतना ज्यादा सोचते हैं, हेल्थ के विषय में तब तक हम लोग नहीं सोचते जब तक कोई ना कोई बीमारी आके सामने खड़ी ना हो जाए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों को एक तरफ काउंसलिंग और ये सब तो की जाती है, करियर काउंसलिंग हो रहा है, मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, सब कुछ, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि एक लगातार एक मेडिकल कंसल्टेशन भी होना चाहिए, मेडिकल काउंसलिंग एक अब एक हिस्सा बन जाना चाहिए। बच्चों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ये सब, हार्ट डिजीज और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉकेज आर्टरी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ये पहले कभी हमने नहीं सुना था, ये अचानक पिछले दो साल में अगर आप देखें कोविड पीरियड में हमने ये देखना शुरू किया, तो ये कितने बड़े चिंता का विषय है। ये ज़रूर एक चिंता का विषय है। देखिए एक है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, बहुत छोटे बच्चे, एक है जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, बहुत ओल्ड एज ग्रुप्स। ये एक स्पेशल पॉपुलेशन, हमेशा से मेडिकल साइंस ने उनको रिकॉग्नाइज किया, दे आर अ स्पेशल पॉपुलेशन जिनकी स्पेशल देखभाल होनी चाहिए। इनमें कुछ डिजीजेज हैं जो होती हैं, इनके टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप्स होने चाहिए, इनके लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी है। बट यंग जनरेशन लाइक लेट टीन्स अर्ली ट्वेंटीज को हमेशा कहा जाता है अब तुम्हें क्या होगा यार, तुम तो यंग मैन हो। बट इन इस एज ग्रुप में भी अब बहुत सारे एज स्पेसिफिक डिजीजेस देखने को मिल रही हैं, जो कि इवन मैं बता दूं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हमने तब ये अपने साथी स्टूडेंट्स में नहीं सुना था, उस कम्युनिटी में नहीं सुना था, और ना हमने पढ़ा था इसको कि उस समय कुछ डिजीजेस जो पास मिडिल एज ग्रुप में कॉमन थी वो अर्ली एज ग्रुप में मिल रही हैं, और इसके पीछे ज़रूर लाइफस्टाइल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल हैं। एक इसमें कोविड है, जैसा कि लॉकडाउन के बाद लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, और अब हम लोग बहुत सारा कुछ ऑनलाइन करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन फूड इज़ अवेलेबल, ऑनलाइन सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, जिससे कि बच्चों की एक्टिविटी करीब ख़त्म हो गई है। प्ले ग्राउंड के नाम पे दे ओनली हैव अ मोबाइल टू प्ले, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बच्चों ने अपने मोहल्ले में प्ले ग्राउंड्स या तो है नहीं या देखे नहीं है। सो एक्टिविटी वाइज इनका सब इसी तक सीमित रह गया है, इसीलिए स्विगी जोमैटो जी खाना आ रहा है, तो मम्मी पापा से बोलने से अच्छा स्विगी जोमैटो कर लेते हैं खाने की चीज़ों का। तो ये चीज़ें एडवर्सली अफेक्ट कर रही हैं, और मैं ये फील करता हूँ कि अब इस एज ग्रुप को भी एक स्पेशल पॉपुलेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसके लिए स्ट्रेटजीज होनी चाहिए मेडिकल फ्रेटर्निटी में, गवर्नमेंट की तरफ से, कि इनको हम वो ट्रीट करें, बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, और खाने पीने का इनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, और बहुत सारी जंक फूड अवेलेबल है, इसीलिए इनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब। जहाँ पे एक तरफ दोस्तों ये स्विगी जोमैटो इस प्रकार के जो ऐप्स हैं वो हमारी सुविधा के लिए बनाए गए, समय समय पे डॉक्टर साहब इसकी ज़रूरत आन पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ज़रूरतों को अपनी आदतों में तब्दील कर लिया, वो उसको जो लैविशनेस नहीं होना चाहिए था उस लैविशनेस को हम लोगों ने ज़िंदगी की ज़रूरत बना डाली। अब ये है कि सबसे आसान तरीका है कि घर में खाना नहीं बन रहा या लेट में भाई रात भर जग रहे हैं और खाना 24 घंटे उपलब्ध है तो कभी भी कुछ भी मंगा लिया। बच्चों ने हेल्थ फूड खाना बंद कर दिया, वो जो एक नॉर्मल खाना होता था और एक समय होती थी, शास्त्रों में तो शायद कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद तो शायद किसी हैवी फूड को खाने का नियम ही नहीं होता था पहले, इसलिए पहले के ज़माने में कभी हम लोगों ने लीवर से लेके कोई बीमारी, उधर से लेके कोई ऐसा रोग हम लोग सुनने में नहीं आती थी, ये अचानक सुनने में आया। आपने इतना ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट और ये जो हो रहा है वो इधर के दशक में ज़्यादा बढ़ा, ये पहले नहीं था, और उसका कारण यही है कि लेट नाइट खाना खाने का कोई सिस्टम ना रहना, कोई समय नहीं है, और कुछ भी खा लेना, और स्विगी जोमैटो ने इस पर चार चांद लगा दिया। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात है, आप पीछे कुछ कह रहे थे कि आज के दिन में जो है माँ स्विगी जोमैटो बन गई हैं और पापा पेटीएम और फोन पे बन गए, आपने बहुत अच्छी बात कही थी तो मुझे ये बात याद आ गई। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मतलब आज खाना चाहिए तो स्विगी जोमैटो है, पैसा चाहिए तो पेटीएम है।
तो माता पिता का जो रोल है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इंट्रैक्शन और बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है माता पिता का रोल इसको सही करने में कितना है, और प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेशन जो है उसका क्या रोल रहता है इसमें? इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वन पर्सन समबडी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल खुद है, जो स्टूडेंट है उसको समझना पड़ेगा, उसको अवेयर होना पड़ेगा। उससे पहले मदर फादर को अपब्रिंगिंग के दौरान इस बात को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रेस देना पड़ेगा, एम्फेसिस देनी पड़ेगी कि आप डाइट पे ध्यान दें और एक बैलेंस्ड फूड कैसे लें। आज के दिन बच्चों में ये देखिए जो समय इस समय चल रहा है, दिस टाइम ऑफ द ईयर, ये एग्ज़ाम टाइम है। चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी अंडर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बच्चा तो अंडर हो। ग्रेजुएट बच्चा हाँ हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में बच्चे हैं, ये सब बड़े स्ट्रेस में रहते हैं इस पीरियड में। कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कहीं पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इस समय बड़े स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे, और डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता। एंड मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के बच्चों में सुना है कि वो बच्चा तो अपने आप को कमरे में बंद करके रहता है, ही इज जस्ट नॉट कंसर्न विद द वर्ल्ड अराउंड हिम, सही बात है। विच इज़ अ गुड थिंग, बट नॉट टू दैट एक्सटेंड कि माँ बाप भी उस कमरे में घुसने से डरते हो। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे 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 क्या कर रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं पी रहे हैं, माँ बाप भी इसको थोड़ा ध्यान दें। और ये जस्ट एक डिसिप्लिन की बात है। अगर खाना, इसमें कोई अलग से काम नहीं करना, ये डिसिप्लिन की बात है। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट से हॉस्टल में रह रहे हैं, वो उनको मैंने देखा है कई बार वो हॉस्टल का एक रूटीन डाइट से हट के फास्ट फूड जंक फूड को ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, और वो एक बहुत बड़ा उनके डाइट का हिस्सा बन जाता है। मेरा ये मानना है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में डाइट पे उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल और सही बात है। वाई नॉट दीज एडमिनिस्ट्रेशंस एम्प्लॉय अ न्यूट्रिशनिस्ट हाँ, एंड बहुत अ सही बात, डाइट काउंसलर फॉर दी स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली। जिनको कि ये जो मेस की डाइट जो डिवाइस करेंगे और उसको वो दे विल प्रोग्राम ऑल दीज डाइट्स। ये इट इज़ हाई टाइम कि हम इस बारे में सोचें और इसको एक एक सिंगल काउंसलर, डाइट काउंसलर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट पूरी यूनिवर्सिटी की डाइट को सही कर सकता है, बिकॉज वो फीडबैक भी ले सकते हैं और एक डाइट को डिवाइस कर सकते हैं कि हॉस्टल्स में क्या खाना मिलेगा, कैसे उसको करेंगे। और ये जो डिलीवरी फूड डिलीवरीज हैं, ये हॉस्टल्स में कर्टेल करनी चाहिए। इफ यू कांट स्टॉप इट, यू कर्टेल इट एक्चुअली। हाँ, एक लिमिटेशन लगा जी दीजिए, और जी इसमें से रूम वाइज आपने कुछ लगा दिया है, जी अब 2 बजे बच्चे ने ऑर्डर किया, खाना नहीं चला हो आ रहा है, सकता। हाँ, इस चीज़ पर रोक कर्टेल, लगा इसको दे, कर्टेल कर किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बहुत अहम है दोस्तों। मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, और आज के दिन में शायद प्राइम टीवी जो लोग देख रहे हैं, इस माध्यम से सरकार तक एक बहुत बड़ी बात पहुंचती है कि एक सिस्टम, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना सकते हैं तो एक न्यू हेल्थ रिजीम भी बनाया जा सकता है जो कि बच्चों के लिए हो। जहाँ पे एक कंसर्न अभी डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं, उनके लिए एक एक न्यूट्रिशनिस्ट की आवश्यकता होती है। अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को मिल पाए तो कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले बड़ी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। ये बच्चे जिस तरीके से अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको इस समय अच्छा अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लगता है खाना ऑर्डर कर दीजिए, तुरंत चाउमीन आ गया, कुछ आ गया, और हम लोगों ने तुरंत कुछ भी खा लिया। लेकिन इसके जो रिपरकशन है उसको आते आते थोड़ा सा समय लग जाता है, और जब तक समय वो आता है उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घट ना जाएं आपके साथ, जो कि फिर हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं कि काश एक समय से अगर हमें किसी प्रोफेशनल कंसल्टेशन में, या एक अच्छा एक कुछ ऐसा हम लोग रोकथाम कर सकते, एक सिस्टम बना सकते, तो शायद उस बच्चे की ज़िंदगी कुछ और होती। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। एक चीज़ डॉक्टर साहब, और एक बड़ी बात है, मैं आपने जब बात तब हॉस्टल की आई है, और आपने बहुत अच्छा बताया कि हर एक अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने आप एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट एटलीस्ट उसको रखे, डाइट स्पेशलिस्ट रखे,
तो कुछ रोकथाम हो सकती है। डॉक्टर साहब, उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज ये है कि क्यों ना ऐसा हो कि उसके अंदर जो कैंटीन्स जो होते हैं हर उस पे से, वहां पे हेल्थ फूड्स रखे गए, हेल्थ फूड कैंटीन्स हुए। मैंने कुछ एक यूनिवर्सिटीज देखी है जहां पे ये फॉलो किया जाता है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर कुछ नहीं रखती, वो कॉमर्शियल एंडेड ज्यादा रह जाता है, किसी को भी खोलने दे दिया। आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर KFC और मैकडीज की दुकानें खुली मिलती हैं, तो बच्चा तो वही देख रहा है, तो बच्चे को आप प्रमोट कैसे करेंगे? फिर समय इतना होता नहीं कि बच्चा अपना कुछ कुक कर सके, उनके मेस में जो खाना बनता है वो भी एक बाहरी एक उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ होता है। तो इन सब चीजों में क्वालिटी कंट्रोल करना तो संभव नहीं है। क्या कुछ ऐसा चीज है कि मल्टी विटामिन साथ में खाते रहें या डाइट सप्लीमेंट्स कुछ लें जो कि इन चीजों में कुछ रोकथाम में कुछ मदद करे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। एक बैलेंस डाइट सबसे बड़ा, न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट सबसे ज़रूरी है किसी भी एज ग्रुप के इंडिविजुअल के लिए। नाउ देयर कम्स द रोल ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन। इनका बड़ा अभाव है हमारे देश में, और इस कॉन्सेप्ट का भी अभाव है देश में। सही बात है। लोग सोचते हैं कि डाइटिशियन तो मुझे यूट्यूब और व्हाट्सएप ही बता देगा, तो वो जो वहाँ से जो ज्ञान आता है वो अक्सर अधूरा या असत्य ज्ञान होता है, उसमें बहुत सारे ये होक्स और गलत इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। सही बात है। तो इसलिए डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का बड़ा रोल है इन दिस एज ग्रुप। नाउ डोंट फॉरगेट, ये जो एज ग्रुप है जहाँ पे एक बच्चा एक इज मैच्योरिंग इनटू एन इंडिविजुअल, यहाँ पे अगर कोई कुछ चीज़ें, कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस सेट इन हो गई, ये लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करेंगी। दिस टेंडेंसी वुड देन परसिस्ट लाइफ लॉन्ग, उसके बाद उसको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। इवन उसके बाद आदमी योगा करे, जब आदमी सेटल हो जाता है फैमिली लाइफ में, मिडिल एज में पहुंच जाता है रिटायर, या कई बार तो रिटायर होने के बाद तब लोग योगा करना शुरू करते हैं, तब कुछ नहीं होगा, द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन। बिकॉज इस ग्रोइंग एज ग्रुप में कोई अगर मोटापा हो गया, कोई ओबेसिटी हो गई, कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो गए, तो वो उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग उस इंडिविजुअल को देखने को मिलता है। इसीलिए आज के दिन राइट फ्रॉम 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 15 से 35 साल की एज ग्रुप में हमें बहुत सारे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। यंग डायबिटिक्स, यंग ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है बढ़ा हुआ लोगों में, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ ओवरवेट, देन थायराइड डिसऑर्डर्स एंड सो ऑन। और आफ्टर कोविड वी हैव सीन, जब जब ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, घरों से निकलना बंद हो गया और स्विगी जोमैटो घर के अंदर घुस आया, तो इसलिए ओबेसिटी बढ़ी और ये डिजीजेस बढ़े। तो इसलिए उसके बाद ये आपने सुना होगा कि सडन कार्डियक डेथ्स, सडन हार्ट अटैक्स, आदमी गाना गाते गाते मर जा रहा है, सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते मर जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसमें बहुत कुछ योगदान लॉकडाउन का है, लाइफस्टाइल चेंजेस का है, जो कोविड का इम्पैक्ट रह गया है। एंड ऑल्सो दिस इज स्टिल अंडर स्क्रूटनी, ये इस पे स्टडीज हो रही हैं कि पोस्ट कोविड का इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी में। डॉक्टर साहब, इट माफ हैज करिएगा मैं रोक रहा हूँ, जी कहीं ये आपने अभी एक बात कही थी कि ये वैक्सीनेशन भी एक वजह बन सकती होगी, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ये जो कार्डियक इवेंट्स हैं इसमें थोड़ी सी हमें बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। देखिए सर, ये डिबेट का इशू है कि वेदर इट इज पोस्ट वैक्सीनेशन और पोस्ट इन्फेक्शन, बिकॉज वैक्सीनेशन भी पोस्ट इन्फेक्शन स्टेटस को कई बार मिमिक करता है। सो इट इज क्वाइट अ सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर अंडरस्टैंडिंग पे है, दे आर बोथ एट द सेम प्लेटफॉर्म ट्रूली स्पीकिंग। तो इस पे देर आर लॉट ऑफ स्टडीज विच आर गोइंग ऑन, द रिजल्ट शुड बी आउट विद इन ईयर और टू, तब हम वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि रियली इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। बट ऑफकोर्स ये जो कोविड इन्फेक्शन था, कोविड वायरस था, ये एक अनप्रेसिडेंटेड वायरस है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे वायरस आते हैं और चले जाते हैं, बट जैसा कोविड ने इम्पैक्ट डाला है पूरी समाज पे, पॉपुलेशन पे, मैनकाइंड पे, ग्लोबली डाला है, शायद ही ऐसा कोई वायरस इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल पाता है। एंड आई थिंक वी आर येट टू कम टू टर्म्स विद द आफ्टर माथ ऑफ दिस इन्फेक्शन, विच
which will we'll know after some years. After March, अभी तो मुझे लग रहा है we are still in COVID era. Yes. अभी पूरी तरीके से तो नहीं, अभी भी हम लोग नहीं मान रहे क्योंकि किस समय कौन सा नया वेरिएंट आ जाए इसके साथ तो खैर ये कार्यक्रम वैसा नहीं है जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फार्मेसी और इसको डिस्कस करें, लेकिन हाल ही में एक न्यूज आया था कि फाइजर वो भी इस वायरस के साथ कुछ छेड़छाड़ करता पाया गया था जिसमें उन्होंने कुछ वायरस के साथ एक नया म्यूटेशन कुछ ऐसा कुछ ट्राई कर रहे थे जिसके ऊपर खबर तो बहुत तेज से उठी लेकिन एक समय पे उस पर दब गई क्योंकि फाइजर एक बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी कंपनी है। खैर डॉक्टर साहब, जहां तक आपने ये बात जो बताई कि भाई वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट क्या रहा होगा नहीं रहा होगा उसके ऊपर अभी भी स्टडीज चल रही हैं जारी हैं, दो बातें बहुत आपने अहम बात बताई। एक जो एक रोल हो गया है कि आजकल हम लोग हेल्थ के लिए उस पर भी हम इंटरनेट पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि फोन देखकर हमने फोन से ढूंढ लेते हैं, घर पे ही हम लोग इलाज पहले होता था आसपास आस पड़ोस से पूछते थे अपने भाई बंधुओं से पूछते थे और आजकल हो गया कोई भी चीज होती है गूगल पे सर्च कर लेते हैं। अगर डाइट करना है तो डाइट प्लान डाउनलोड कर लिया, हर चीज पर हम आधा नॉलेज वो पूरा नॉलेज जैसे आपने बताया पूरा नॉलेज नहीं होता है, अजल गगरी छलक जात, जिस गगरी में कम पानी होता है वो छलकता जाता है और उसका जो खराब इम्पैक्ट है वो हम लोगों को आगे देखने को मिल रहा है। और सब एक छोटी सी बात मैं इस पर जानना चाहता हूं, अगर लोग नेट का इस्तेमाल कर ही रहे हैं अपना हेल्थ मैनेज करने के लिए तो तमाम एप्स भी आ गई हैं, तो क्या कुछ ऐसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव या हम लोग का कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें वाकई एक सेट ऑफ प्रॉपर एक रिजीम हम लोगों तक पहुंचा सके उसका इस्तेमाल करते हुए? एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव रेज्ड। ये बहुत इसी पे आज का नया कॉन्सेप्ट आया, दिस इज कॉल्ड हेल्थ कोच, जहाँ पे कुछ ऐप बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट ने चालू किए हैं विच विल कीप ट्रैक ऑफ योर एक्टिविटी एंड योर डाइट 24/7 एवरी डे। सो इससे आप क्या खा रहे हैं पी रहे हैं आपको ऑनेस्टली अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हेल्थ कोच। ये वहाँ पे आपके समकक्ष हमेशा अवेलेबल है वर्चुअली टू गाइड यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आज आप कितने स्टेप चले, कितनी एक्टिविटी रही, आज आप कब क्या खाएं, नेक्स्ट डे आप क्या खाएं, तो दे कैन प्लान योर डाइट एंड इससे डाइट में थोड़ा सा वेरिएशंस आते हैं, इंटरेस्ट जागता है लोगों का और एक न्यूट्रिशियस बट टेस्टी डाइट लोग अडॉप्ट करते हैं और इससे वो उन लोग कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि आज अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इट्स कॉल्ड हेल्थ कोच। ये इसमें अगर उसको फॉलो करे कोई तो इसके बड़े फायदे हैं, बट हाँ ये है कि वो अच्छी तरह से फॉलो किया जाए और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों में आजकल स्ट्रेस बहुत है इसलिए सब्सटेंस एब्यूज के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं जो कि अगेन इनकी मैल न्यूट्रिशन को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स, चरस, गांजा, जो कोकेन, ये सब बैंड ड्रग्स, ये सब हॉस्टल में इजीली अवेलेबल है जो कि बहुत इजीली बच्चे ले रहे हैं और इसमें इस नेट में फंस रहे हैं। ये इनके मेंटल लेवल पे और हेल्थ लेवल पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है एंड दिस इज रैम्पेंट एवरीवेयर इन दी हॉस्टल्स। डॉक्टर साहब, ये लास्ट पॉइंट आपने बहुत ही अहम उठाया, काश हमारे पास समय होता कि हम इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक अगर हम इस पर चर्चा कर पाते, लेकिन एक बहुत अहम चीज है दोस्तों, जब हॉस्टल्स में शराब, चरस, गांजा ये एंटर कर जाता है तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की जिंदगी तो वहीं खत्म कर देते हैं। आज जो ये पूरा एपिसोड था दोस्तों, ये मेनली इसी वजह से था ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें कि हम जिस बच्चे को करियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, कॉलेजेस में भेज रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बच्चे ज़्यादातर हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उनके ऊपर उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो फैमिली का जो इम्पैक्ट रह जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पर जाके, उस समय आपसे भरोसा कर सकते हैं। अगर इस हालात में अगर बच्चे को अगर प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आसार ये हैं कि बच्चा अपने हेल्थ के साथ आगे चल के खिलवाड़ कर लेगा।
अगर हेल्थ नहीं रहा तो करियर भी नहीं रहेगा। और करियर काउच का यही उद्देश्य है कि एक हेल्थ को बनाने के लिए या एक करियर को बनाने के लिए हेल्थ का होना और हेल्थ को बनाने के लिए एक करियर को एस्टैब्लिश करना, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हेल्थ हम नहीं छोड़ सकते, इसके ऊपर हम लोग बार बार चर्चा करते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरती से बात को बताई। मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और प्लीज अपना हेल्थ का ख्याल रखें। इम्तिहान जरूर है लेकिन वो आपसे हेल्थ से बड़ा नहीं है, तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एग्जामिनीज ओवर देयर। सो होप टू मीट यू सून अगेन ऑन करियर काउच विद शुभांकर, अगेन नेक्स्ट संडे ओनली ऑन प्राइम टीवी।